हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेके आई मोरी का एक नया डिज़ाइन। तो सबसे पहले मैंने मोरी को तैयार किया। ये 3 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई है और 11.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो सबसे पहले हमें नीचे की तरफ 3-3 इंच पे निशान लगाने हैं इस तरीके से। ऐसे ही हमें ऊपर भी लगा लेने हैं इस पर। तो देखिए, इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से हमें इसे गोलाई देनी है। तो सबसे पहले हम इसे बीच में से निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें देखना है इसका आधा कितना होगा, यहाँ पे निशान लगाना है। अब यहाँ से हमें गोलाई देनी है अच्छे से, इस तरीके से इस पर गोलाई देनी है। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी इस पर गोलाई देंगे। अब देखिए, ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बीच में हमें लाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे हम फ्लावर बनाएंगे और यहाँ पे हमें फ्लावर बनाना है। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर सिलाई लगानी है। तो पहले ये दोनों टांके कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें इस पर सिलाई लगानी है। इसको राउंड शेप देते हुए चलेंगे। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी बनाना है। तो सबसे पहले ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इस पर सिलाई कंप्लीट की है। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी कर लेना है। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो बीच का पार्ट बचता है उस पर हमें सबसे पहले सीधी सिलाई लगानी है। यहाँ से हम सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ से हमें बॉक्स बनाने हैं सबसे पहले। ये देखिए, इस तरीके से बॉक्स बना लिए हैं। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ तैयार करना है। अब यहाँ से हमें सिलाई लगानी है इसमें। तो ये बनके तैयार है। इसी तरीके से हमें आगे के भी तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, ये बना के तैयार कर लिए हैं। अब जो साइड में बचते हैं उनमें हमें पत्तियां बनानी हैं। तो इस तरीके से इनमें हम पत्तियां बनाएंगे। तो ये देखिए, इनमें पत्तियां बना ली हैं। अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें साइड की पत्तियां तैयार करनी है और उसके बाद हमें बीच की पत्तियां तैयार करनी है अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले हम साइड की पत्तियां तैयार करेंगे, उसके बाद बीच की, इनके बीच में एक एक सिलाई लगानी है अच्छे से। अब इसके बीच की जो पत्ती है उसे हम तैयार करेंगे इस तरीके से। अब इसमें भी हमें सिलाई लगानी है। इसके भी बीच की सिलाई कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी तैयार कर लेना है इसे। ऐसे ही सभी में तैयार करना है। तो देखिए, ये कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही हमें आगे के कंप्लीट करने हैं। तो आगे का हम तैयार कर लेते हैं। तो पूरा पोंचा तैयार होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल बना है। लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।